हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुनील भाटी एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर जो बेस्ड वीडियो है उस वीडियो के साथ। तो आप भी तैयार होंगे अपने कॉपी पेंसिल के साथ करने के लिए। उससे पहले आप एक बार इन चीज़ों को लाइक कर दें और शेयर कर दें, फिर हम आते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ, जहाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे और फटाफट अंदाज में करेंगे, प्रैक्टिस की तरह करेंगे। आपको जो चीज़ें समझ में ना आए वो आप कमेंट्स में पूछिए हमसे, लाइव सेशन में भी पूछ सकते हैं, और जो भी फिर भी कोई प्रॉब्लम बचती है तो लाइव सेशन में सब प्रॉब्लम पूरी हो जाएंगी। लेकिन आप यदि प्रीवियस ईयर यानी प्रीवियस वीडियो देखते हैं तो वहाँ से भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि कोई ना जो चीज़ नहीं है वो जब किसी वीडियो में बता दी जाती है फिर आगे वो उतने डिटेल में नहीं बताई जाती है। तो आप प्रीवियस ईयर वीडियोस में देखोगे और सभी डाउट क्लियर होते चले जाएंगे। खैर, आप फटाफट अपनी कॉपी पेंसिल के साथ क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो जाइए और अपनी प्रैक्टिस को एक नया अंजाम दीजिए। तो यहाँ जैसे सबसे पहले एक क्वेश्चन है, 1 से 11 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कितनी भाज्य संख्याएं हैं। तो भाज्य संख्या क्या होती हैं और अभाज्य क्या होती हैं? जो जिसके केवल दो फैक्टर हों वो अभाज्य है ना, और जिसके दो से अधिक फैक्टर हों वो भाज्य है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमसे क्या पूछा है, भाज्य यानी कि कंपोजिट नंबर। ठीक है, सबसे पहले एक एक तो ना प्राइम है ना कंपोजिट है, ना भाज्य है ना अभाज्य है। दो क्या है, दो अभाज्य है। भाज्य कौन सी है, तीन भी क्या है अभाज्य है। इसके बाद चार, तो याद रखनी है सबसे पहली संख्या क्या है, वो चार है। चार के बाद पाँच, पाँच के भी दो ही फैक्टर होते हैं। छः, सात के भी दो ही फैक्टर होते हैं। आठ, नौ और 10, ये सभी संख्याएं। अब 11, 11 के तो केवल दो ही फैक्टर होते हैं, 11 एक, तो ये ही हो गई आपकी क्या, भाज्य संख्याएं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है बच्चों, तो कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, आंसर हो गया आपका 5, आपने कर दिया टिक, 5 टिक कर दिया। बेहद आसान है, जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं भाज्य है, और जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं वो अभाज्य है यानी प्राइम नंबर। आगे आते हैं बच्चों, 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर। तो देखो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, करते हैं इसको फटाफट, आपने कर भी लिया होगा। इन सभी में फॉर्मूला लगा देंगे, क्या लगा देंगे, a² - b². अब a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a+b और a-b। तो यहाँ देखेंगे इसमें लगेगा तो 2 और 1 कितना होगा, 3, और 2 में से 1 गया तो 1, प्लस ये 4 और 3 7, 1 प्लस 8 और 7 15, और गुणा 1, 1 क्यों, 8 में से 7 गया तो 1, a+b a-b। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। अब ये 3 और 7 10 और 15 25, यही हो गया हमारा आंसर, है ना, क्या आंसर हो गया, 25। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। ऐसे नहीं कि आप यहाँ पर लग जाओ कि 2 का स्क्वायर है, पहले 4 लिखें फिर 1 फिर 16 फिर 9, है ना, वो लेंथ ही हो जाएगा, आपको टाइम लग जाएगा ज़्यादा। जब भी फॉर्मूले बन रहे हो तुरंत यूज कर लेने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, जब भी बड़े और छोटे ज्ञात करने हैं भिन्नों में तो क्या तरीका बताया था, क्रॉस गुणा। इसकी गुणा यहाँ करेंगे 7 या 21, तो इसका वैल्यू मानी जाएगी 21, और 4 दूनी 8, इसकी वैल्यू मानी जाएगी 8। हर से अंश की तरफ गुणा करना है, जिधर अंश में गुणा किया वो ही वैल्यू मानी जाएगी। तो अब बताओ ये इससे क्या है, ये वैल्यू बड़ी है और ये छोटी है, जबकि साइन लगा है उल्टा, तो ये वाली तो गलत हो गई बात। अगली और देखते हैं, नेक्स्ट, 6 दूनी 12 और 3 पंजे 15, तो बड़ी वैल्यू लगी है, ग्रेटर देन, ठीक है ये चीज़ ठीक है। आगे और देखते हैं, 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, अब कौन सी, अब ये बड़ी है और ये क्या है, छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है और ये छोटी है, और वो ही हमारा साइन लगा है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या सही हुई, केवल दो, दूसरा सही हुआ पहला गलत हो गया।
तो किस तरह से करना है, आपको क्लियर हो गई बातें? देखो पहले में हमने इसको चेक नहीं किया, क्योंकि जब एक गलत हो गया तो आगे चेक करने का मतलब नहीं है, समय ही खराब करना है। आगे आते हैं, एम के किस मान के लिए 3-4m संख्या 7 से विभाजित है। तो 7 मैंने स्क्वायर और क्यूब याद करने के लिए कहे थे, अगर किसी को भी क्यूब याद होंगे तो एकदम से बता देगा, है ना? क्या बता देगा? 3-4-3, ये किसका क्यूब होता है? 7 की क्यूब, और 7 की क्यूब 7 से तो कटेगी, तो क्या होना चाहिए m के स्थान पर? 3, यही होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको, देखो इसे हम भाग विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा ये फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं स्क्वायर और क्यूब, जो मैंने आपको कई बार बताए हैं, आप इनको एक बार याद कर लोगे तो ये बहुत आसान होंगे, कई चीज़ों में काम आएंगे। अब आप 3-4m इसको 7 से डिवाइड करोगे, 7 चौक 28, बचे कितने? 6। अब यहाँ क्या करें, तो 7 निम 63 होते हैं ना, तो 63 के लिए यहाँ 3 आना चाहिए, तो m की जगह 3 आ गए। ये तो हो गई पूरी विधि, लेकिन स्क्वायर याद है क्यूब याद है तो एकदम से पता लग जाएगा और सेकंडों में क्वेश्चन हो जाएगा। तो सेकंड में क्वेश्चन करना है तो चीज़ें याद तो करनी पड़ेंगी। आगे एक और देखते हैं, ये भी बेहद आसान क्वेश्चन है। देखो ये डिवाइड है ना, ये डिवाइड है, ये प्लस है, अंतर ध्यान रखने हैं। तो 7 21 और 4 में 2 का भाग हुआ तो 2, 21 और 2 23, 23 तो एक अभाज्य संख्या है ना, 2 में है, चलो भी हर भी सॉल्व करना पड़ेगा। 8 से 2 का भाग हुआ, पहले भाग करते हैं ना, 8 से 2 का भाग किया तो 4, 4 किया 12, 12 और 5 17, तो ये वाला हो गया आंसर थर्ड। ठीक है, सिर्फ ऐसे ही सॉल्व कर ली, बोर्ड मास का रूल आपको लगाना है, ऐसे नहीं कि बिना बोर्ड मास के आप कर दोगे, पहले डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और लास्ट में सब्सट्रैक्शन। ए एम बी का 7 गुना है, ए क्या है जी, बी का 7 गुना है, यानी बी 1 है तो ए 7 है, हो गया जी 7 गुना। तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है, अब देखते कितना कम है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है, तो बी ए से 6 पॉइंट कम है, किससे, ए से, ए यानी कि 7, ठीक है, और परसेंट निकालने के लिए इंटू 100, तो कितना हुआ है हमारा, 600/7, अब 7 8 56, बचे 4, 7 55 35, बचे 5, 7 7 49, और यही पता लग गया कि ऑप्शन फर्स्ट है ना, ऐसे नहीं कि पूरा करो, जहाँ ऑप्शन फर्स्ट मिल जाए वहीं छोड़ के आगे बढ़ो। आगे देखते हैं, 3 संख्याओं का अनुपात 4 3 7 है, इनके वर्गों का योग दिया है ना, तो वर्गों का योग तो वर्ग कर लेंगे, पॉइंट मान लेंगे, ये कितना है, ये 4 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, ये 7 पॉइंट है, तो 4 पॉइंट का वर्ग क्या होगा, 16 पॉइंट स्क्वायर, प्लस 3 पॉइंट का क्या होगा, 9 पॉइंट स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49 पॉइंट का स्क्वायर, सब मिल के कितना हुआ, ये 25 और ये जोड़े तो कितने हो गए, 74 पॉइंट का स्क्वायर बराबर 666, तो पॉइंट का स्क्वायर कितना हो गया, 6646/74। अब देखो कटेगी तो पूरी वैल्यू, क्योंकि ऑप्शन कंप्लीट दिए हैं, तो ऐसे नहीं आपको नहीं आती, तब भी आप कर सकते हो, है ना। तो 4 के पहाड़े में 6 कहाँ आता है, 4 के पहाड़े में 6 आता है 9 पर, है ना, 4 पर भी आता है और 9 पर भी आता है, तो हमें अब इसे आसानी से कर लेंगे, कितनी बार, 9 चौक 36 और 9 7 63 और 3 66, यानी कि कितनी बार कट गए, 9 बार, तो P की वैल्यू कितनी आ गई, 3, भाई P स्क्वायर बराबर 9 है तो P बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 7P, तो 7 × 3 यानी कि 21, यही आंसर हो गया, 7P सबसे बड़ी थी, उसी की वैल्यू रख दी। आगे एक और देखते हैं, 16 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 21 वर्ष है, 2 लड़के जिनकी आयु 15 और 18 वर्ष है छोड़कर चले गए, 1 लड़का जिसकी आयु 24 वर्ष है समूह में शामिल हो जाता है, तो नई औसत आयु ज्ञात कीजिए। देखते हैं कैसे करते हैं, 21 थी ना हमारी एक्चुअल औसत, 21 से ये कितने छोड़ के चला गया, 6 तो ये छोड़ के चला गया, प्लस ये कितना छोड़ के चला गया, 3,
3 साल ये फालतू छोड़ के चला गया, और ये जो आया है ये 3 फालतू लेके आया है, 3 फालतू लेके आया। टोटल कितना हो गया? 12। तुम्हारे पास एक्स्ट्रा कितनी हो गई? 12 हो गई। अब ये 12 किस में बटनी है? अब जितने जितनी अब संख्या है, तो 16 थे, 2 गए तो 14 रह गए, एक और आया तो 15 हो गए। भाई 16 थी संख्या, 2 गए और एक आया, तो टोटल 15 हो गए। तो ये वैल्यू 15 में बटनी है, तो 15 में इसे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 15 अट्ठे, ठीक है, तो ये होगा 120, 0.8 इतने की वृद्धि कर देंगे। किस में? पुराने में। तो 21 प्लस 0.8 यानी कि 21.8, यही आंसर हो गया सेकंड। ठीक है, बेहद आसान है, इस तरीके से आप करेंगे। ये सब तरीके मैंने डिटेल में बताए हैं, बाकी आप योग से भी कर सकते हैं। योग से कैसे होगा कि भाई योग कितना है हमारा? योग है हमारा 21, औसत है, औसत गुणा पदों की संख्या कितनी है? 16। तो 16 एकम 16 और 16 दूनी 32 और 1 33, इतना योग है। अब इसमें क्या करना है? 15 और 18 के तो निकलेंगे और 24 आएगा, ऐड होगा, तो 36 में से 15 घटाने हैं, 18 घटाने हैं और 24 जोड़ने हैं। ठीक है, इन सब को जोड़ेंगे तो कितना होगा? इन दोनों को आप सॉल्व कर लोगे तो कितना होगा? प्लस के 6, और प्लस के 6 यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे तो ये रह जाएंगे माइनस के 9, तो होगा हमारा 327, 327। अब योग कितना रहेगा? 327। अब औसत कैसे निकलेगा? हाँ बच्चों, औसत कैसे निकलेगा? औसत निकलेगा योग, योग अब हमारा 327 और संख्या हो गई अब हमारी 15, तो 15 दूनी 30 बचे 2, उतार लिया 7, 15 एकम 15 और फिर बचे कितने? 12, 0 बढ़ा ली, 15 अट्ठे 120, ये ही आंसर हो गया। तो ये चीज़ें समझ में आई होंगी किस तरह से आप योग से कर सकते हैं और किस तरह शॉर्ट से भी कर सकते हैं, तो दोनों में अपनाते हुए चलेंगे। यदि ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप योग से कर लेंगे, वो समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा लेंथ ही पड़ेगा पर आसान है। ये थोड़ा आप सोचोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, जैसे मैंने बताई बिल्कुल ऐसे ही करनी है। एक और देखते हैं, और इतनी ही क्वेश्चन है इस वीडियो में, बाकी हम करेंगे अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और अपनी प्रैक्टिस भी करते रहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चनों के साथ और कुछ अच्छी ट्रिकों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।